दिल और जान से मेहनत करिए, जो आज आपको गाली भी दे रहे हैं ना वो भी कल आपको सलाम ठोक कर जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे आप सभी का करेंट अफेयर चलता है और कोशिश करता हूँ कि 10 से 12 मिनट के अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर है वो आप सभी को कंप्लीट करवा दूं। और एक बात, स्ट्रैटेजी वीडियो जिनका भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है अगस्त के महीने में, उनके लिए अलग क्लास जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री में, और जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आधारित पर। तो पूरा स्ट्रैटेजी वीडियो आपको संडे को मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दे सकते हैं अपने फोन के ऊपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट, रेलवे एसएससी या फिर बैंक का। अगर वहां से 349 वाला पैकेज बाय करेंगे तो 1 साल का वैलिडिटी आपको मिल जाएगा, यानी 1 साल तक आप एग्जाम, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 13 जून के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकलकर। पहला प्रश्न हमारे सामने, नबार्ड असम ग्रामीण विकास बैंक को किसानों की कृषि गतिविधियों का समर्थन करने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि प्रदान करेगा, ये आप सभी को बताना है। जो नबार्ड असम ग्रामीण विकास बैंक है ना, वो असम के किसान को कितने रुपए देकर वहाँ के किसान को जो है वो समर्थन करेगा। तो 270 करोड़ रुपए देगा। कितना? 270 करोड़ रुपए। पहला क्वेश्चन आपका ये था। और एक बात आप सभी को मैं बता दूं, नबार्ड के चेयरमैन जो है, अध्यक्ष जो है, वो अभी हाल फिलहाल में जो है वो बदले गए। पहले कौन था? पहले था आपका हर्ष कुमार बनवाला, लेकिन उनके जगह पर अभी नए चेयरमैन कौन है? गोविंदा रजालू चिंटाला, ये आपको याद रखना है। नबार्ड का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। ये काफी बार आप सभी से पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। और अगर वहीं पर बात करें असम को लेकर, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राजधानी क्या है? तो दिसपुर। और वहां के राज्यपाल की बात करें, गवर्नर का, तो वो कौन है? आपका जगदीश मुखी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो राजीव टोपनो, ऑप्शन नंबर आपका बी। और वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मालापास। और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? जुलाई 1944 में। एग्जाम में काफी बार जो महत्वपूर्ण संगठन है ना उसका गठन पूछता है, तो ये सब मैं आपको सुबह 4:30 बजे वाले क्लास में ही करवा देता हूं ताकि आपको एग्जाम के टाइम अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरी ना पड़े। और मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, काइली जेनर और कैनी वेस्ट ने सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों का वार्षिक फोर्ब्स सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कहने का मतलब है, फोर्ब्स का जो मैगजीन निकलता है ना उसके मैगजीन में लिस्ट जारी किया गया है कि धरती पर सबसे ज्यादा कौन से अभिनेता या अभिनेत्री को पैसा दिया जाता है। तो उन पहले शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर नाम है आपका काइली जेनर और कैनविस्ट। और टॉप 100 में, सिर्फ 100 में भारत का सिर्फ एक हस्ती का नाम है, उनका नाम क्या है? अक्षय कुमार। और इनका स्थान कितना दिया गया है? इनको स्थान दिया गया है आपका 52 नंबर, ठीक है, 52। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रियाज शेख एक क्रिकेटर है जिनका हाल ही में जो महामारी फैला हुआ है पूरे विश्व भर में, कोविड-19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है, वो किस देश से संबंधित थे? रियाज शेख, आप फोटो में देखकर ही समझ गए होंगे जर्सी के ऊपर लिखा गया है पाकिस्तान, तो यह पाकिस्तान के लिए जो है वो खेला करते थे रियाज शेख। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने
देश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ हाथ मिलाया है। तो CSIR ने हाथ मिलाया है आपका, और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसके हेड कौन है ये भी याद रखिएगा। तो इनके हेड है CSIR का शेखर सी मांडे। ठीक, याद रहेगा नहीं ये वाला बात। अगला प्रश्न हमारे सामने है UNADP यानी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। एम नेत्रा की एक 13 वर्षीय लड़की है जो UNADP द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर घोषित किया गया है। यह किस राज्य की ये लड़की है जो 13 साल की मात्र है जिनको गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर के अवार्ड से घोषित किया गया, और किसके द्वारा ये घोषणा किया गया है? तो UNADAP के द्वारा, और उस लड़की का नाम क्या है? एम नेत्रा। ठीक है, और ये लड़की आपका तमिलनाडु की है, ऑप्शन नंबर आपका डी। और तमिलनाडु के CM कौन है? इडापड़ी के पलानीस्वामी। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और कैपिटल आपका चेन्नई। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी कम से कम कर जाइएगा। देखते हैं, बहुत जन क्लास देखकर निकल जाते हैं रोज। कम से कम मेहनत को तो एफर्ट दीजिए, कम से कम आप सभी जो है वो मोटिवेट करिए यार। अगला प्रश्न हमारे सामने है EESL और USTAD ने पहले किस पहल के तहत स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल शुरू करने की घोषणा की है? याद रखिएगा, तो किस योजना के तहत? तो मैत्री, ऑप्शन नंबर डी। और मैत्री जो है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है टी का मतलब क्या है, बहुत बार। तो मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? द मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी इफिशियंसी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यूनतम संरक्षण के अनुसार भारत का GDP दर वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक अनुबंध कर सकती है? तो 1.5% तक, यानी ऑप्शन नंबर सी। जितने भी क्वेश्चन GDP को लेकर आ रहे हैं आज के डेट में, ये सब क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सभी देखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने रोमानिया, जो एक राष्ट्र है, जो एक कंट्री है, वहां पर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी भारत का अगला राजदूत रोमानिया कंट्री में कौन होगा? आप सभी को पता है कि हर एक देश का राजदूत अलग अलग कंट्री में होता है, तो भारत का राजदूत जो है वो रोमानिया में कौन होगा? तो राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का पहला प्रश्न आपका इसी प्रश्न से निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन आप सभी कमेंट करना। रोमानिया का राजधानी यानी कैपिटल, रोमानिया का करेंसी यानी मुद्रा, और रोमानिया के PM यानी प्रधानमंत्री, ये तीन चीज आपको कमेंट कर बताना है रोमानिया के बारे में। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के बीच स्थित एक तेल के कुएं में बड़े पैमाने पर आग लग गई है। कहां पर लगा है? आसाम में। और ये 10-15 दिन से लगा हुआ है, लेकिन हमारा नेशनल मीडिया फॉलो तो कर रहा है और बहुत दिन के बाद फॉलो किया गया। ठीक है, तो आसाम में एक तेल का कुआ है जहां पर आग लगा हुआ है लीकेज होने के वजह से, याद रखिएगा। और एक बात तो याद आपको और रखना है, उस तेल के कुएं का नाम क्या है? आपसे एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ देगा कि आसाम में एक कुएं के तेल में आग लगा हुआ था लीकेज के वजह से, उस कुएं का नाम क्या था? याद रखिएगा, यहां पर आसाम आंसर तो आपको देना ही देना है, लेकिन उस कुएं का नाम क्या है तो याद रखिएगा भाई, भूलिएगा मत। ठीक है, अगला, और यहां पर आप कुआं भी देख पा रहे होंगे, पूरे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है।
अगला प्रश्न हमारे सामने है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ द्वारा किस भारतीय भारोत्तोलक को डोपिंग आरोप से मुक्त कर दिया गया है? तो संजीता चानू, इनके ऊपर बैन लगाया गया था, लेकिन अब ये बैन जो है वो हटा दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, यही है आपके संजीता चानू। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कोविड 19 पैंडेमिक यानी कोरोना वायरस महामारी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है, यानी 2020 में वो पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाएगा, कौन सा पुरस्कार है? तो रैमन मैक्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन नंबर आपका ए। और 2019 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो एनडीटीवी के जो एंकर है, जर्नलिस्ट है, जो प्राइम टाइम करते हैं, क्या नाम है, रवीश कुमार, उनको ये अवार्ड दिया गया था 2019 में, जर्नलिस्ट के क्षेत्र में ये अवार्ड नहीं दे, हालांकि ये जो अवार्ड है ना ये बस जर्नलिस्ट के क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है। 19 में रवीश कुमार को ये अवार्ड जो है वो जर्नलिज्म के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। 20 में यह पुरस्कार जो है वो नहीं दिया जाएगा, रद्द कर दिया गया है कोविड 19 पैंडेमिक के वजह से। अगला प्रश्न हमारे सामने, विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कितनी कम हो सकती है, कितना गिर सकता है वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में, किसके अनुसार, वर्ल्ड बैंक के अनुसार? तो 5.2%, ऑप्शन नंबर आपका ए। और वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ था, 1944 में, वहां के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालापास है, और हेडक्वार्टर कहां पर है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 13 जून का, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम अगर आपके फोन में है तो सर्च मारिएगा सक्सेस की 98, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल दिया, क्लिक कर आप एक बार में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और एक लाइक कर जाइएगा, ठीक है, चलिए।